हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू अनब्लॉक योरसेल्फ ऑन इंस्टाग्राम। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी ने इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया है तो आप खुद को कैसे अनब्लॉक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इजी तरीके से यहाँ पर बताने वाला हूँ। सिंपल स्टेप्स में बताऊँगा, प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाने वाला है, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाए, लेकिन मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि आप लोग अपने आप को अनब्लॉक कर पाओगे खुद से। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है, आपको किसी ने इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया है तो ना तो आप उसको चैट कर सकते हो, यानी कि कोई चैट भी नहीं कर सकते, कोई फोटो भी नहीं भेज सकते, कोई आप वीडियोज या फिर कुछ भी शेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन जो मैं ट्रिक बताऊंगा, इस ट्रिक को जानने के बाद आप जिसने आपको ब्लॉक किया है उसके पास आप चैट भी कर पाओगे, फोटोज भी भेज पाओगे, वीडियोस भी भेज पाओगे, सब कुछ आप लोग शेयर कर पाओगे इंस्टाग्राम पर ही। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाने वाली है, और वीडियो को सही से समझना, वीडियो को पूरी देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूं अपने इंस्टाग्राम पर, और दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे खुद को अनब्लॉक कर सकते हो। दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहां पर मैं मैसेजेस पर चेक करूंगा तो ये मेरी जो सेकंड आईडी है अल्लू आर्यन के नाम से, दोस्तों इस आईडी से मैं अपनी टैग फेयर वाली आईडी को ब्लॉक करके दिखाऊंगा, और जब उसको मैं अनब्लॉक करूंगा तो आप लोग देखते ही रह जाओगे। तो मैं सबसे पहले अल्लू आर्यन वाली पे स्विच हो जाता हूं। अब दोस्तों स्विच करने के बाद यहां पर देख सकते हो आप मैं अपनी चैट पर आया, और ये जो मेरा टैग फेयर का पेज है मैं इसको यहां से ब्लॉक कर देता हूं। तो दोस्तों मैं यहां से इसको कर देता हूं ब्लॉक, तो मैंने यहां पर ये ब्लॉक कर दिया है। अब दोस्तों ब्लॉक करके मैं वापस से उसी मतलब अकाउंट पर जाता हूं, और वापस से उसी अकाउंट पर जाकर आप लोग देख सकते हो मुझे यहां पर कोई भी पोस्ट मतलब अपनी सेकंड आईडी की नहीं दिखेगी, क्योंकि उस अकाउंट से मैंने इस वाले अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। अब मैं इस वाले अकाउंट से कैसे उस तक अपने मैसेज और वीडियोस फोटोज को पहुंचा पाऊंगा, तो उसके लिए आपको करना क्या हो, दोस्तों आप लोग देख सकते हो जिस भी अकाउंट से आप लोग बात करना चाहते हो उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो सबसे पहले आपको उसकी फॉलोविंग्स का पता होना चाहिए, और दोस्तों उसकी फॉलोविंग्स का आपको पता ही होगा क्योंकि आप भी उसके फ्रेंड जरूर होंगे, तभी तो आपको उसने ब्लॉक किया। कोई बिना बात के आपको ब्लॉक नहीं कर देता है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो आप सिंपल सा क्या करें, आप एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर सकते हो, यानी कि किसी थर्ड अकाउंट को, अपने दोस्त को, फ्रेंड को, किसी को भी इन्वॉल्व कर सकते हो। तो जल्दी से मैं कोई सी थर्ड मतलब ऐप वो ले लेता हूं, तो मैंने यहां पर थर्ड अकाउंट अपना ले लिया। अब दोस्तों थर्ड अकाउंट मैंने यहां पर अपना ले लिया है, और अब मैं इस वाले अकाउंट से अल्लू आर्यन वाले अकाउंट को देख सकता हूं। तो यहां पर इसने मुझे ब्लॉक नहीं कर रखा है, यानी कि इस वाली आईडी को अभी तक मुझे ब्लॉक नहीं हुआ है, तो टैग फेयर वाली को हुआ था लेकिन इस वाली आईडी को ब्लॉक नहीं हुआ है। तो सिंपल सा आपको करना क्या होगा, एक ग्रुप यहां पर तीसरी आईडी पर यानी अपने फ्रेंड को बोलना है कि भाई आप एक ग्रुप बना लो। तो जल्दी से मान लेती है मेरे फ्रेंड का अकाउंट है, अब मैं इससे यहां पर एक ग्रुप बनाता हूं। तो मैं जल्दी से यहां पर ग्रुप बना लेता हूं। ग्रुप बनाने के लिए आपको जो पेंसिल का आइकन है इस पर क्लिक करना है, और यहां से आपको जिसको भी ग्रुप में इनवाइट करना है उसको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मुझे तो अब अल्लू आर्यन को यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं मैं जल्दी से, तो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे अपने टैग फेयर वाले अकाउंट को भी यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो मैं जल्दी से टैग फेयर को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, और ऊपर आपको चैट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको चैट पर क्लिक करना है। चैट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से एक ग्रुप बन चुका है, और अब मैं यहाँ से हाई का मैसेज कर देता हूँ। अब दोस्तों मैंने यहाँ से देख सकते हो आप, मैंने हाई का मैसेज कर दिया है। अब दोस्तों ये इस वाली आईडी से दोनों आईडी पर मेरा जो मैसेज है वो चला गया है। अब मैं जाकर अपनी टैग फेयर वाली आईडी ओपन करता हूँ, और देखता हूँ मैं टैग फेयर वाली से अल्लू आर्यन वाली पर मैसेज कर पाऊँगा या नहीं। तो टैग फेयर वाली में आईडी ओपन करता हूँ। आईडी ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो अल्लू आर्यन ने मुझे ब्लॉक कर रखा था, आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पर इसने ब्लॉक कर रखा है। अब मुझे इससे बात करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले मैं रिक्वेस्ट में जाता हूँ। रिक्वेस्ट में जाने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर रिक्वेस्ट में ये जो अकाउंट से मुझे मतलब ग्रुप से मैसेज आया है इसको मुझे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद अब दोस्तों आप लोग देख सकते हो अब मैं यहां से मैसेज डालता हूं अपना टैग फेयर वाली आईडी से हेलो, तो मैंने यहां पर हेलो डाल दिया। अब देख सकते हो आप दोस्तों मैंने यहां पर हेलो तो डाल दिया है। अब मैं यहां पर अगर अल्लू आर्यन को यहां से डायरेक्ट मैसेज करता हूं तो उस पर डायरेक्ट मैसेज नहीं जाएंगे, लेकिन मैं जो भी यहां पर मैसेज करूंगा हेलो हाय
वो वहां पर जरूर दिखाएगा। मैं आपको एक बार अल्लू आर्यन वाली आईडी ओपन करके दिखा देता हूं, तो आप लोग यहां पर देख सकते हो जिसने आपको ब्लॉक किया है उस पर आपके मैसेजेस तुरंत चले जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे आप खुद को अनब्लॉक करा सकते हो, यानी कि डायरेक्ट तो आप अनब्लॉक नहीं करा सकते, लेकिन ऐसे आप तिकड़म लगा के अपने मैसेजेस को जिस पर आप पहुंचाना चाहते हो, जिसने आपको ब्लॉक किया है उस पर पहुंचा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।